नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं अभी ये कोविड का टाइम है, काफ़ी मुश्किलों वाला टाइम है। इसमें कई अथॉरिटीज़, कई प्रशासन के जो ऑफिसेज़ हैं, कई दफ्तर जो हैं वो ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे। कोर्ट्स भी बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में फंक्शन कर रहे हैं। कई पुलिस के जो ऑफिसेज़ हैं, कई जो थाने हैं उनमें भी कंप्लीट स्टाफ नहीं है, क्योंकि कोविड के चक्कर में उनको वहाँ पे कई लोग इन्फेक्टेड हैं या कई लोग प्रिकॉशन ले रहे हैं और लेना भी चाहिए, जिस वजह से कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी बढ़ गए हैं। आए दिन इंक्वायरीज आती हैं, आए दिन क्वेरीज आती हैं कि मेरे पे डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हो रहा है। वाइफ की कंप्लेंट्स आती हैं कि हम पे जो हस्बैंड है या हस्बैंड की फैमिली है उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कमिट की है, मारते हैं, पीटते हैं, बहुत बुरे तरीके से उन पे अत्याचार करते हैं या किसी तरीके से हरासमेंट करते हैं, डाउरी की डिमांड करते हैं, और पुलिस के पास जाने से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है, ये कहते हुए कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, ऑफिसेस ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं और ऐसे तमाम रीजंस की वजह से नहीं हो पाता। ना केवल वाइफ की साइड से बल्कि हस्बैंड की फैमिली की साइड से भी, हस्बैंड की फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनकी भी काफ़ी क्वेरीज आती हैं, उनकी भी काफ़ी परेशानियां पता लगती हैं, जिसमें कि हस्बैंड कई बार कंप्लेंट करते हैं कि जो मेरी वाइफ है उन्होंने मेरी मदर के अगेंस्ट, जो वाइफ की सास है उसके अगेंस्ट वो काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रही हैं, या हस्बैंड की साइड से जो फीमेल फैमिली मेंबर्स हैं उनको परेशान कर रही हैं, और क्योंकि पुलिस और प्रशासन ठीक तरीके से अभी फंक्शन फुल कैपेसिटी में नहीं कर पा रहे, जिस वजह से कि ये परेशानियां बढ़ गई हैं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? अब दोस्तों, लॉ एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने हर तरीके की परेशानी को फैक्टर किया होता है। अब जब ये लॉ बनी थी, डोमेस्टिक वायलेंस की जो लॉ बनी थी, तब पैंडेमिक का तो पता नहीं था कि ऐसा कोई डेट, क्योंकि ये लॉ बनी थी 2005 में और पैंडेमिक आया 2020 में, तो ऐसा तो था नहीं कि उस टाइम पता था कि ऐसा कुछ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हम फेस करेंगे, पर ये तो पता था कि परेशानी अगर किसी को करनी है किसी के अगेंस्ट तो वो एनीवेज करेगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कि हस्बैंड की फैमिली वाइफ को बहुत परेशान कर रही है, हस्बैंड वाइफ को परेशान कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कमिट कर रहे हैं, तो क्या लॉ उसे विदाउट अ रेमेडी छोड़ देगी? जी नहीं। लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अगर आपके पास कोई राइट है तो आपके पास उसकी रेमेडी भी लॉ प्रोवाइड करेगा। किसी को भी राइट सिर्फ देने का कोई मतलब नहीं होता। लॉ का एक प्रिंसिपल है, इसको हम एक लैटिन मैक्सिम है इसका, जिसको हम कहते हैं उबी जस इबी रेमेडियम, मतलब अगर आपके पास कोई राइट है उबी जस, जहां पर भी राइट है उबी रेमेडियम, वहीं पर रेमेडी भी होती है। तो अगर आपको लॉ कोई राइट देता है तो आपके पास लॉ तरीके भी देता है उस राइट को अवेल करने के। तो लाइकवाइज जैसे हमारे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है, अब किसी पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि लॉ उसको डोमेस्टिक वायलेंस को कमिट होने देगी इन विच एवर सिचुएशन। तो लेट्स कम बैक टू आवर इशू, ये था इस सिचुएशन की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताई। नाउ लेट्स कम बैक टू द सिचुएशन। अब मान लीजिए किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, हस्बैंड और उसकी फैमिली उसको परेशान कर रही है, मारपीट रही है, उससे अनजस्टिफाइड डिमांड्स कर रही है, तो वाइफ क्या करे? अब सामान्यतः जब सब कुछ ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा था तो वाइफ क्या करती थी, थाने चली जाती थी, जाकर एक पुलिस कंप्लेंट करते थे। अब पुलिस तो ठीक से फंक्शन नहीं कर रही बिकॉज ऑफ कोविड, और बाकी अथॉरिटीज़ भी ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे जहाँ की वाइफ जाकर अपना जो ग्रीवेंस है उसे रिड्रेस कर पाए। तो इन सच अ सिचुएशन व्हाट द वाइफ शुड डू, अगर वाइफ के अगेंस्ट ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस कमिट हो रहा है, व्हाट शी शुड डू इज फाइल अ कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस का कंप्लेंट फाइल करेंगे मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, और अगर जो वो रिलीफ मांग रहे हैं वो अर्जेंट है, जैसे अब मान लीजिए अर्जेंसी हम किस चीज़ में मानेंगे, मान लीजिए वाइफ को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा है, मान लीजिए हस्बैंड की फैमिली ने वाइफ को थ्रेटन किया है कि हम आपको जान से मार देंगे, इन सच अ सिचुएशन जो ये ऐसी धमकियां हैं, जो ऐसे थ्रेट्स हैं, दीज आर अर्जेंट। अब कोर्ट अगर लिमिटेड फंक्शनिंग कर रही है तो आप कोर्ट में एक अर्जेंसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, ये कह करके कि देर इज़ एन इमीडिएट
थ्रेट टू माई लाइफ एंड माई सेफ्टी, और इस मैटर को जो मेरा डोमेस्टिक वायलेंस का मैटर है इसको अर्जेंटली सुना जाए और जो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स हैं इसमें पास किए जाएँ। अब इस चीज़ को हमें समझना होगा कि जो क्रिमिनल लॉ है वो डोमेस्टिक वायलेंस लॉ से डिफरेंट है। जैसे कि अब मान लीजिए वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड ने कोई मतलब कोई उनको डोमेस्टिक वायलेंस कमिट की है, तो क्रिमिनल लॉ में अगर आप जैसे FIR जाके फाइल करते हैं और अगर आप DV की पिटीशन फाइल करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे? FIR फाइल करने से क्या होगा और DV की पिटीशन फाइल करने, डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन को फाइल करने से क्या होगा? देखिए, FIR जो है वो है क्रिमिनल लॉ के अंदर आती है और डोमेस्टिक वायलेंस की जो पिटीशन है वो आती है सिविल लॉ के अंदर। अब जो FIR की जो आप FIR अगर आप फाइल करते हैं तो इन दैट द इंटेंशन इज टू पनिश द रॉन्ग डूअर। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हस्बैंड ने वाइफ को मारा है या किसी भी तरीके से क्रूएल्टी कमिट की है और उस पर वाइफ जाकर FIR फाइल करती है, तो इसमें वाइफ को प्रोटेक्ट तो पुलिस करेगी बट मेन उद्देश्य ये होगा लॉ का कि जो भी गलत जिसने भी वाइफ के अगेंस्ट गलती की है, मान लीजिए हस्बैंड ने की है या हस्बैंड के फैमिली से किसी और ने की है, फादर इन लॉ ने सिस्टर इन लॉ ने की है, तो इन दैट केस द इंटेंशन विल बी टू पनिश देम। पर डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है वो इतना मैं कहूँगा विजनरी कानून है, वो हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स को पनिश करने के उद्देश्य से नहीं बना है, उसके लिए क्रिमिनल लॉ है दैट टेक्स केयर ऑफ इट। डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो बना है वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगर किसी वुमेन को मारा पीटा जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उस पर अगर आप पिटिशन फाइल करते हैं तो उसमें जो कोर्ट है हस्बैंड को पनिश नहीं करेगी, वो वुमेन को जो भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि हस्बैंड को पनिश करने के लिए क्रिमिनल लॉ इज ऑलरेडी देयर दैट विल टेक केयर ऑफ इट। मान लीजिए अगर वाइफ FIR फाइल करती है तो अगर हस्बैंड के अगेंस्ट जो ऑफेंस है वो प्रूव हो जाता है कोर्ट में, दे विल बी पनिश्ड। बट अगर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, व्हाट इज द प्रेसिंग नीड? प्रेसिंग नीड ये है कि उनको वाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। अब अगर आज उनको प्रोटेक्ट कर लिया तो कल वो उस पोजिशन में रहेंगी जहां पर कि वो एक FIR फाइल कर सकती हैं या क्रिमिनल केस फाइल कर सकती हैं। तो इस चीज को हमें समझना होगा, इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसका उद्देश्य, सोल उद्देश्य ये है कि उसमें वाइफ को या जो भी फीमेल मेंबर है जो कंप्लेंट फाइल करती है उनको प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्शन किस तरीके से हो सकती है? कोर्ट प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास करते हैं कि जो हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली जो है वो वाइफ को परेशान नहीं करेंगी या उनके उनसे एक फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, या फिर रेसिडेंस ऑर्डर्स भी कोर्ट पास कर सकती है। अगर मान लीजिए वाइफ को उनके घर से निकाला जा रहा है, हस्बैंड की फैमिली उन्हें निकाल रही है, तो कोर्ट कैन पास समथिंग इन द नेचर ऑफ रेसिडेंस ऑर्डर जिसमें कि कोर्ट कहती है कि वाइफ को यहाँ से नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उसका मैट्रिमोनियल होम है। और वाइफ को अगर मान लीजिए वाइफ अब उस मैट्रिमोनियल होम में रहकर थ्रेटेंड फील करती है, तो द कोर्ट कैन इवन डायरेक्ट द हस्बैंड एंड हिज फैमिली टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रेसिडेंस टू द वाइफ। कोर्ट ये भी अगर वाइफ कहती है कि मेरे को अपने ससुराल में रहने से खतरा महसूस होता है, तो कोर्ट हस्बैंड और उसकी फैमिली के एक्सपेंस पे ये भी डायरेक्ट कर सकती है कि वाइफ को ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन इधर ओन नेम पे या फिर रेंट पे उसको प्रोवाइड किया जाए। द आइडिया इज टू नॉट लीव द वाइफ विदाउट एनी रेसिडेंस, इसको रेसिडेंस ऑर्डर्स कहते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, रेसिडेंस ऑर्डर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कोर्ट कैन ऑल्सो डायरेक्ट कॉम्पेंसेटरी मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन टू द वाइफ, जो भी उनको परेशानी हुई, जो भी उनके अगेंस्ट उत्पीड़ना हुई, जो भी उनके ऊपर वायलेंस कमिट हुआ, उस वजह से जो भी उनको परेशानियां हुई उस चीज को कॉम्पेंसेट करने के लिए कोर्ट कॉम्पेंसेशन के ऑर्डर्स भी पास कर सकती है। तो फ्रेंड्स, दैट वाज अबाउट इट। डोमेस्टिक वायलेंस का जो कानून है उसके बारे ये है कि ये जो कोविड के माहौल में काफ़ी ज़्यादा जो वायलेंस कमिट हो रही है क्योंकि अथॉरिटीज़ ठीक तरीके से फंक्शन नहीं कर रही, तो जो परेशान करने वाले हैं उनको खुले हाथ मिल गए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो DV के केसेस, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, वो इस वजह से क्योंकि अथॉरिटीज़ ठीक तरीके से फुल कैपेसिटी में फंक्शन नहीं कर पा रही। तो इन सच ए सिचुएशन क्या करना है वो हमने आपको आज बताया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की भी मदद हो सकती है तो आप कृपया इसे शेयर करें, और आपको किसी और तरीके से कोई इंक्वायरी हो, कुछ पूछना हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेरीज का हम आंसर दें।
और ये एक ऐसी स्पेस है दोस्तों जहां हम ऐसे ही लीगल इश्यूज को डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी ज़रूरतमंद हो, जिसको ऐसा, क्योंकि कानून ऐसी चीज़ है जो किताबों में बंद नहीं रहनी चाहिए, उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो अगर आपको लगता है किसी को भी जो हम यहाँ पर डिस्कशंस करते हैं उससे फ़ायदा हो सकता है, तो आप उसके साथ ये शेयर करें। और दूसरा ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके भी मेंबर बने। वहाँ पर हम ऐसी लीगल डिस्कशंस को अपलोड करते रहते हैं, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो डे टू डे जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स पास करती हैं, उनका जो जिस्ट है वहाँ पर हम वो शेयर करते हैं, ताकि जो कानून है सबको पता लगे, और कानून बस किताबों में बंद होकर ना पड़ा रहे। तो आशा करता हूँ आप ऐसे मुश्किल वाले माहौल में सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, गुड बाय।